दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं अभी मशरूम का कटिंग चालू है। यहाँ रोज़ लगभग 500 केजी से एक टन तक प्रोडक्शन निकलता है। यहाँ टोटल इस तरह का 8 एसी रूम है। यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से मशरूम की फार्मिंग की गई है। यह जो आप देख रहे हैं हम अभी मुजफ्फरपुर के बखरा में स्थित हैं और यह फार्म मनोरमा सिंह का है। वह अभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी दे रही हैं, वह ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और ट्रेनिंग का पूरा वीडियो देखते हैं। और जब बैग पुराना हो जाते हैं, जब मशरूम कम निकलना हो जाता है, तो सीजन में एसी रूम में जब हम बनाते हैं तो जब कम होता है तो इसको हम लोग जल्दी से फेंक देते हैं। लेकिन जब सीजनली हम करते हैं तो सीजनली में क्या करते हैं कि हमको तो 3 महीना रखना रहता है, तो इसलिए हम लोग इसमें जो भी डंठल छूट जाता है, यहाँ पर या कुछ पीला हो गया, ये सब को तोड़ कर हटाते हैं। और केसिंग अगर कड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा तोड़ कर मुलायम करके उस पर फिर केसिंग दूसरा डालते हैं, और डालने के बाद तब पानी देते हैं, तो उसके बाद में से फिर नया निकलना शुरू होता है। अब ये पुराना बैग हो चुके हैं, जो भी पिनहेड देख रहे हैं पीला हो रहा है, तो इस सबको तोड़ के हटाना है। देखिए कैसे तोड़िएगा, तोड़िए इस सबको नीचे से। ये कंपोस्ट यार्ड है, यहाँ पर भूसा फुलाया जाता है, यहाँ पर भूसा को भिंगाया जाएगा। ये पूरा इसमें 9 टन भूसा इसमें रखा हुआ है एक बार में। और वहाँ नल लगा हुआ है, उससे पूरा पूरे को भिंगाया जाएगा। भिंगाने के बाद यहाँ पर कंपोस्ट रख के जेसीबी आएगा। अभी तो जेसीबी अभी नहीं मिक्सिंग हो रहा है, जेसीबी आएगा और मुर्गी का बीट, जिप्सम, यूरिया, सल्फेट, चोकर, ये सब चीज़ मिलाकर मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग करने के बाद वहाँ रखाएगा, इसमें रखाएगा, इसमें 4 बार इसमें से निकाल के जेसीबी से निकाल कर ये मिक्सिंग होकर फिर इसमें जब रखा जाएगा तो इसमें 10 दिन रहेगा। अच्छा, इस टनल में? हाँ, इस टनल में 10 दिन रहेगा। फेज टू में 10 दिन रहेगा। 10 दिन के बाद निकलेगा तब स्पॉनिंग होगा। बटन कंपोस्ट के लिए एक और वहाँ है, ये देख सकते हैं न्यू फार्म में यहाँ पर तैयारी हो रहा है। ये पहले पोखरा था और इसमें मिट्टी भरने के बाद ये नया फार्म तैयार हो रहा है। अब इसके लिए ये एक में लोहा का भी बना सकते हैं और बांस से भी कभी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बांस का बनाने का क्या कारण है? ये बांस का शुरू में लोग लगाते हैं, कुछ सस्ता पड़ता है इसलिए बांस का पहले लगाते हैं, फिर धीरे धीरे अपना लोहा का भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है मशरूम फार्म के लिए और ये पाइप पैनल लगा हुआ है। इसमें 4 कमरा बन रहे हैं और इसमें पाइप पैनल यूज है। ये 30x80 का बना हुआ है, लंबाई है दोनों का। ये इस जगह 4 रूम बन रहे हैं। ये हमारा बड़ा कंपोस्ट यार्ड है, यहाँ पर ज़्यादा बटन कंपोस्ट तैयार होते हैं। इसमें 36 टन कंपोस्ट भूसा का कंपोस्ट बनाया जाता है। अच्छा, एक बार में यहाँ एक बार में 36 टन का बनाया जाता है, तो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है तैयार होने के बाद। और उसके बाद इसमें रखाएगा, ये फेज 1 में रखाता है। ये फेज 1 में रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से निकाल कर फेज 2 में रखाएगा। अच्छा, इस वाले आप? हाँ, और 10 दिन के बाद हमारा कंपोस्ट रेडी है। जो भी किसान भाइयों अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से बुक अभी से ही बुक करा लें और यहाँ से कंपोस्ट ले जा सकते हैं। मैम, यह जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह जो पानी गिर रहा है और पूरा पोखरा में बनाया गया है, यह क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये गैस के लिए ये है। अच्छा। और इससे अमोनिया गैस से हमारा एसी फार्म चलाया जाता है। सब रूम में एसी लगे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा रूम बन गया है, इसलिए अमोनिया लगाने से सारे रूम में जाते हैं, सारा पाइपलाइन से इसमें सब में गया हुआ है। अच्छा कूलिंग करने के लिए और बिजली का खपत भी कम होता है। एसी में जब रहता था रूम कमरा सब में एसी लगा हुआ रहता था सिंपल वाला, तो बार बार कभी एसी जल जाता था, कभी वो जलता था, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते थे और वोल्टेज का फ्लक्चुएटर होता था, तो इसके कारण ये लग गया अमोनियम का। ये केसिंग मटेरियल है, कोको फिट का है। इसको हम पहले लीच आउट करते हैं पानी से, ताकि इसका रेडिश कलर का पानी जो हो निकल जाए। निकलने के बाद जब इसको आप मुट्ठी से दबाइएगा तो पानी टपक रहा है, देख रहे हैं? Yes. ये परफेक्ट केसिंग तैयार है, वो है, पानी टपक रहा है। इसमें हम फॉर्मोलिन, बेबेस्टिन और फ्यूराडन, जिप्सम मिक्स करके
सही से मिक्सिंग कर देंगे और त्रिपाल से ढक देते हैं मोटा पन्नी से 48 घंटे के लिए। 48 घंटा जब हो जाएगा, 48 से 50 घंटे, फिर अपना यूज करने के लिए फर्स्ट केसिंग में प्रोसेस में तैयार हो जाए। मैम, स्पॉन के बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। स्पॉन किसान भाइयों को इस तरह का स्पॉन लेना चाहिए जिसमें ग्रीन नहीं हो और ये गीला हरा नहीं हो, ऐसा स्पॉन किसान भाइयों को लेना चाहिए जो पूरी तरह से उजला हो। हाँ, पूरी तरफ से उजला हो, इस तरह का स्पॉन किसान भाइयों को लेना चाहिए। अच्छा मैम, यह 1 केजी का पैकेट है। 1 केजी का पैकेट है। आमतौर पे स्पॉन का क्या रेट होता है? इस बार तो गेहूँ महंगा हो गया है जी, तो इसलिए 110 रुपये ऑस्टर है और बटन 130 रुपये है। अच्छा, बटन मशरूम, बटन मशरूम का जो स्पॉन होगा वो हल्का मटमैला कलर का रहेगा, पूरा व्हाइट ज़्यादा नहीं रहेगा, ये बटन मशरूम का है। अच्छा मैम, यह जो स्पॉन होता है कितने दिनों तक इसको रखा जा सकता है प्रिजर्व? इसको ठंडा के दिन में इसको 4-5 दिन ऑस्टर को बाहर रख सकते हैं और बटन को भी 3-4 दिन बाहर रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिन में इसको 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं, इधर उधर रखने से गड़बड़ हो जाता है। मिल्की का अगर स्पॉन है तो उसको आप बाहर भी गर्मी के दिन में भी रख सकते हैं बिना एसी के भी, लेकिन इसके लिए 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। दोस्तों, मशरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम लगभग कई दिनों तक चलता है और सुबह से शाम तक चलता है, तो पूरा कैमरे पर दिखाना तो संभव नहीं है। अगर आप मशरूम फार्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मशरूम फार्म कैसे बनाएं या फिर मशरूम की फार्मिंग कैसे करें, तो उसके लिए मनोरमा सिंह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।